हेलो दोस्तों, ये है सुजुकी जिक्सर SF 250 BSX। जिक्सर SF 250 में दो वेरिएंट आते हैं। ये जिक्सर SF 250 का मेटालिक मैट ब्लैक कलर है, जो सिर्फ SF 250 में ही आता है। SF 150 में आपको ग्लॉसी कलर देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके प्राइस, फीचर्स और माइलेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके फ्रंट से। तो इसके वाइजर के ऊपर आपको मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड का ग्लास, जो कि एडजस्टेबल है। और इसका वाइजर आपको मिलता है मैट ब्लैक कलर के साथ में। और इसकी हेडलाइट की बात करें तो यहां पर आपको फुली LED सेटअप देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैं इसकी हेडलाइट को ऑन कर देता हूं, तो यहां से आप इसकी लाइट को देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग दे रही है इस बाइक को। और इसके साइड में देखोगे तो यहां पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि हैलोजन टाइप के दिए गए हैं। और इसके नीचे की साइड में इसके फ्रंट वाले मडगार्ड के ऊपर सुजुकी का लोगो दिया गया है। और यहाँ से आप इसके फ्रंट वाले टायर की ग्रिप को देख सकते हैं। इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इसके फ्रंट में भी ABS ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। और इसके फ्रंट के टायर के साइज़ की बात करें तो 110/70 का टायर साइज़ मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो है रेडियल टायर मिल जाते हैं फ्रंट में, और 17 इंचेस के ब्लैक कलर के डायमंड कट टाइप के जो है एलॉय व्हील यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके फ्रंट में आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसके इंजन काउल के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इसके ऊपर की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको 250 का और SOCH का लोगो मिल जाता है, गोल्डन कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पर आपको जिक्सर SF का स्टिकर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसकी जो लुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई गई है। और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको मिल जाता है सुजुकी का 3D में लोगो, जो कि क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। और यहाँ से आप इसके जो है कट्स को देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिए गए हैं। और इसके जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 12 लीटर की दी गई है। और इसका जो ऊपर की साइड में आपको जो है मैट ब्लैक कलर मिल जाता है। अब इसके मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिलता है। ऊपर की साइड में LED की लाइट दे दी गई है। और यहाँ पर आपको ABS की इंडिकेशन लाइट, इंजन की टेम्परेचर इंडिकेशन और वार्निंग इंडिकेशन मिलती है। और इसके दूसरी साइड में आपको मेन हेडलाइट इंडिकेशन, गियर की न्यूट्रल इंडिकेशन और टर्न सिग्नल इंडिकेशन और इंजन माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। और इसकी डिस्प्ले में आपको जो है ट्रिप मीटर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको किलोमीटर की रीडिंग और यहाँ पर क्लॉक दी गई है। और यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेशन, ऊपर की साइड में RPM की रीडिंग और यहाँ पर आपको जो है किलोमीटर पर आवर स्पीड और यहाँ पर आपको फ्यूल की रीडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर को एडजस्ट करने के लिए बटन मिलती है। और यहाँ पर आपको जो है बैटरी के बोल्ट भी यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दो बटन मिल जाती हैं इसके मीटर कंसोल को एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ से आप इसकी हैंडल बार रोड को देख सकते हो। और यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको जो है इंजन कल का स्विच मिल जाता है रेड कलर के साथ। और इसके नीचे की साइड में आपको सेल्फ का स्विच मिलता है। नीचे की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको SEP का लोगो मिल जाता है, सुजुकी इको परफॉर्मेंस का। अब हम बात करें इसकी सीटिंग पोजीशन के बारे में, तो इसकी जो सीट है वो आपको स्प्लिट में मिलती है इस बाइक में। और राइडर और पिलियन के लिए जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल ऑफर की गई हैं। और पीछे की साइड में आपको जो है ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, जो कि स्प्लिट में दिए गए हैं। और यहाँ से आप इसके कट्स को देख सकते हैं। तो अब बात करें इसके रियर व्हील की, तो यहाँ पर आपको 150/60 सेक्शन के टायर साइज मिलते हैं। इसमें आपको MRF कंपनी के रेडियल टायर मिल जाते हैं और 17 इंचेस के ब्लैक कलर के डायमंड कट टाइप के जो एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। और इसके रियर में भी आपको जो है ABS की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका जो पीछे वाला जो टायर है वो भी काफ़ी चौड़ा दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करें इसके सस्पेंशन की, तो इसके रियर में आपको मिलता है स्विंग आर्म टाइप का सस्पेंशन। और इसके सस्पेंशन को गंदा होने से बचाने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा मडगार्ड भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसके टायर के ऊपर आपको एक टायर हगर भी देखने को मिल जाता है, जो इस बाइक को पीछे की साइड से गंदा होने से बचाता है धूल मिट्टी और कीचड़ से। इसके ऊपर की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको जो है थोड़े से कट्स मिल जाते हैं इसके सीट काउल के ऊपर। और यहाँ पर आपको स्प्लिट टाइप के जो है ग्रैब हैंडल ऑफर किए गए हैं। और यहाँ से आप इसके पीछे वाले मडगार्ड के डिज़ाइन को देख सकते हो, जिसके ऊपर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, नीचे रिफ्लेक्टर और साइड में आपको जो इंडिकेटर मिल जाते हैं बल्ब टाइप के। और इसकी जो है टेल लाइट है वो आपको मिलती है LED में। और इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रखी गई है, जैसा कि यहाँ से आप इसके पीछे वाले लुक को देख सकते हैं दोस्तों। इसके दूसरी साइड में तो यहाँ पर देखोगे तो इसके सीट काउल के नीचे की साइड में आपको एक सीट का लॉकर मिल जाता है। और नीचे की साइड में आपको एक कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड, जो कि इसके टायर हगर से अटैच है। और यहाँ पर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट और इसका जो चेनसेट कवर है वो आपको फाइबर में मिलता है। और यहाँ पर आपको राइडर के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट
और यहाँ पर आपको जो है 6-speed गियर बॉक्स मिल जाता है इस बाइक में। और साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर और 165 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब बात करें इसके इंजन और पावर की, तो इसमें दिया है 249cc का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इसकी मैक्सिमम पावर है 26.5 PS की 9300 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 22.2 Nm का 7300 RPM पर। इसमें दिया है 6-speed गियर बॉक्स। इसका कर्व वेट है 161 kg। बात करते हैं इसके इंजन की दूसरी साइड में, तो यहाँ से भी आप इसके इंजन को देख सकते हो। यहाँ पर आपको 1200 ml इसके इंजन में ऑयल आता है, इंजन ऑयल, और यहाँ पर आपको इंजन ऑयल का कैप, और यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है इस बाइक में, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है ब्रेक पैड और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिलता है, और सुजुकी की ब्रांडिंग, और यहाँ से आप इसके इंजन के काउल को देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश दिया गया है। इसके ऊपर की साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सिंगल हॉर्न नज़र आ जाता है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका जो एग्जॉस्ट है वो नीचे की साइड से दिया हुआ है, जो कि आपको इसके बॉडी कवर में पूरा का पूरा फिट कर दिया है, जो बार की साइड से नहीं देखेगा। और यहाँ पर आपको जो है ब्रेकिंग का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट, और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट की डिज़ाइन को देख सकते हो। यहाँ पर आपको मेटल की क्रोम की प्लेट, और पीछे की साइड में जो प्लेट लगी है वो आपको फाइबर की मिलती है, जो कि क्रोम फिनिश के साथ दी गई है। अब दोस्तों हम इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, तो अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट का और इसके इंजन के साउंड को सुना देता हूँ। तो दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुकी है, तो अब यहाँ से आप इसके इंजन के साउंड को नोट कर सकते हो। जैसा कि इसका जो इंजन है वो 250cc का है और काफ़ी रिफाइंड इंजन है। अब यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट के साउंड को भी नोट कर सकते हो दोस्तों। अब आपको इसके इंजन का और इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मैं बात करूँ इसके माइलेज की, तो इस बाइक में आपको 30-35 km/h का आसानी से माइलेज मिल जाएगा। अब हम बात करें इसके प्राइस की, तो सुजुकी जिक्सर SF250 का ऑन रोड प्राइस है 2,16,092 रुपये। अगर आप सुजुकी जिक्सर SF250 को मोटो GP एडिशन में लेते हो तो उसकी कीमत है 2,16,903 रुपये। ये ऑन रोड कीमत मैंने आपको बताई है विवान सुजुकी बेलगछिया रोड कोलकाता शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अपनी सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को।